हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी बजा है दिन का 10:15 और ये हो रही है मेरी दिन की पहली चाय। दिस इज द टी एंड दिस इज रोटी का पोहा। तो गाइस, आई वाज सेइंग कि आज है संतान सप्तमी। मुझे नहीं पता इसमें क्या होता है, बट आज के दिन मतलब भाभी फास्ट रखती हैं, तो भाभी पूजा वूजा करेंगी, फिर भाभी दान देने जाएंगी। मतलब मान्य को दान दिया जाता है या किसी कन्या को दान दिया जाता है, तो आज भाभी मामा की बेटी को देंगी दान। एक्चुअली भाभी हर साल जो है सीरियल सीरियल से एक एक बहन को, मतलब एक एक ननद को दान दे रही हैं। एक बार बड़ी बुआ की बेटी, एक बार चाचा की बेटी, एक बार छोटी बुआ की बेटी, एक बार मामा की बेटी, तो हर साल ऐसे 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 चल रहा है। तो फाइनली इस बार जो है मामा की बेटी का नंबर आया है। तो पूजा के लिए भाभी को चाहिए बेलपत्री, धूप और फूल। तो अभी अपन जा रहे हैं धूप लेने और बेलपत्री और फूल लेने। तो फूल और धूप लाने का प्लान कैंसिल इसलिए क्योंकि वो ऊपर जो हमारे ऊपर एक अंकल जी रहते हैं, मम्मी ने उनसे बोला था, तो जब तक मैं निकल रहा था बाई चांस वो फूल वूल लेके आ गए थे। तो या तो अब मैं जब आ गए हैं तो मैं क्यों जाऊँगा, मतलब क्या कंटेंट के लिए दौड़ जाऊँ फालतू में? क्यों जाऊँ? पेट्रोल इतना महंगा है, 97.99 रुपीज़ लीटर। तो हो गया ना गच्चा। वो जो है ना वो सिर्फ फूल और बेलपत्ती लाए हैं, धूप तो लाए नहीं है। तो चलो, धूप तो एक ऐसे नॉर्मल घास जैसी होती है जो उगी होती है, तो शायद पार्क में उगी हुई है। तो चलो चलते हैं पार्क से तोड़ के लाते हैं धूप। चलो पार्क चलो, ला ला ला। ज़्यादा दूर नहीं है, ये है पार्क, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है और ये है पार्क। बस आ गए पार्क, पट्ट से बगल में ही है। चलो भैया चल। अरे ये तो जाम हो गया। सो आई थिंक दिस इज धूप। ये कितना जितनी ये निकली हुई होती है ना, ये धूप ही होती है। तो बस जितनी चाहिए उतनी तोड़ लो। तो ये देखो, ये है पार्क का नज़ारा। ये हमारी कॉलोनी का पार्क है और ये इसमें उगी हुई है खूब सारी घास धूप। तो बस यही नोच तोड़ लेंगे, धो लेंगे, साफ कर लेंगे, हो जाएगा। ये जो व्रत है ये काहे का व्रत है और ये क्यों मनाया जाता है? ये संतान सप्तमी का व्रत है और ये इसलिए किया जाता है, या जिनके संतान नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं, वो उनको बच्चे चाहने के लिए ये व्रत करते हैं, और जिनके होते हैं वो उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो ये क्या पूजा में क्या क्या किया, कैसे होता है, क्या है इसमें? शंकर पार्वती और गणेश, मतलब शिव परिवार की पूरी पूजा होती है। सारा देवी जी को पूरा श्रृंगार वगैरह चढ़ाते हैं, सारा फल, और इसमें 7 कुएं चढ़ाए जाते हैं भगवान को, 7 अपने लिए चढ़ाए जाते हैं। तो 7 हमने चढ़ाए तो 7 हम खाएंगे और 7 भगवान के वो हम दान करेंगे। अच्छा, दान किसको कर रही हो? अब वैसे तो मान्य को दिया जाता है, तो मेरी छोटी नंद है, मैं उसको दान करती हूं। संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी पत्र मुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजमत के कारण इस व्रत को कभी करती कभी भूल जाती। उस समय बाद वे दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। उधर भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी बहुत सुंदर लगती थी। काम की पत्नी रहती थी उनके समूह लगा भूषण देवी। गाइस, बहुत लोगों को जानना था कि उस दिन जो गिफ्ट में, मतलब जो गिफ्ट पैक आया था उसमें क्या था। तो उसमें ये था, ये जो स्टैंड है, सेल्फी स्टैंड बोलो या इसको
एक्चुअली इसमें ये नीचे से ट्राइपॉड भी बन जाता है खुल के, तो दिस इज वॉट एक्चुअली वॉज गिफ्टेड बाय हुमैरा, सो थैंक यू सो मच हुमैरा फॉर दिस गिफ्ट, एक्चुअली इट वॉज वेरी मच नीडेड। तो अब एक्चुअली इससे ना कैमरा पकड़ने में बहुत ईजी हो रहा है, व्लॉगिंग करने में बहुत ईजी हो रहा है, और ये हिल भी नहीं रहा यूं हूँ, तो आई थिंक दिस वॉज वेरी मच नीडेड। तो मुझे इसको पकड़ के एक्चुअली थोड़ी व्लॉगर्स वाली फीलिंग भी आ रही है, सो या थैंक यू सो मच। तो भाभी अब हम कहाँ जा रहे हैं, हम भाभी कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग जा रहे हैं कि एक तो शंकर पार्वती जी को विसर्जित करने गंगा जी में, और फिर जाएंगे दान देने अपनी नंद को छोटी वाली। तो अब हम लोग जा रहे हैं, पहले हम लोग जाएंगे गंगा जी, तो माँ भाभी ये सब जो विसर्जन का सामान है वो विसर्जन करेंगी, फिर उसके बाद वहां से हम लोग जाएंगे नानी के यहाँ। गर्मी इतनी गंदी गर्मी है, मतलब कसम से देख रहे हो, ये देखो राइट ऑन द फेस सन पसीना, मतलब इतनी गंदी इतनी सड़ी हुई गर्मी है कसम से, इतनी भन्नाटेदार इतनी उजड्ड गर्मी है। सो गाइस फाइनली अब अपन आ गए हैं गंगा जी, और ये देखिए पीछे आपको दिख रही होंगे गंगा जी, और ये है अटल घाट। तो चलिए अंदर चलते हैं। देखिए गाइस ये है अटल घाट, और ये कितना बढ़िया बना है। इसकी इनॉग्रेशन के लिए एक्चुअली पीएम मोदी आए थे कानपुर। सी द ब्यूटीफुल व्यू, सो गाइस सी दिस ब्यूटीफुल व्यू, ये देखिए हर हर गंगे, ये देखिए माँ गंगा, ये अटल घाट है। एंड आई वुड रिपीट कि इसका इनॉग्रेशन करने पीएम नरेंद्र मोदी जी आए थे कानपुर, और भाभी सिरवा रही हैं तो भाभी सिरवा देंगी, संभल के बस यहीं से। सो गाइस यू कैन सी द ब्यूटीफुल व्यू, ये देखिए ये है माँ गंगा, और वो पीछे जो है वो है पीछे गंगा बैराज, अगर आपको दिख रहा है वो येलो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, दैट्स गंगा बैराज, किसी दिन चलेंगे वहाँ पे भी। और ये है हमारा, यही तो है हमारे कानपुर की खूबसूरती, हमारे कानपुर में जो है माँ गंगा बहती है। जितना भी खूबसूरत, मतलब जितना भी देखो उतना कम, ये पूरा गाइस गंगा जी है, और ये देखो पूरा गंगा जी के किनारे किनारे, ये पूरा किनारे है, ये पूरा किनारे में ही है, ये पूरा किनारे कानपुर बसा हुआ है, और ये गंगा जी जा रही है। सो यहाँ का तो हो गया है गाइस, अब यहाँ से अपन निकलेंगे नानी के घर। सबसे बड़े मामा, मामा सबसे नमस्ते कर लो, अरे हमें नहीं उधर करो, नमस्ते नमस्ते। तो ये मेरे सबसे बड़े मामा, और इनका नाम है देवेंद्र वाजपेयी और पप्पू मामा, तो ये मेरे बड़े मामा हैं, तो बस ये मेरे बड़े मामा हैं, बस जय जय सिया राम। और ये देखिए बैठी है बेटू, बेटू हेलो बोलो, सबके हाल चाल नहीं लोगी, कैसे हैं आप लोग? और तो ये है बेटू उर्फ दिव्या, दिव्या हेलो बोलो सबको, कैसे हैं आप सब, सबसे पूछो कैसे हैं आप। हाँ वीडियो पे देखते हो, वीडियो पे जब दिल्ली में थे तो देखते थे ना, है ना? फिर से बोलो, फिर से बताओ। इसमें पिंकू चाचू सुब्बी लगता और आप गाड़ी कार से घूमने जाते थे बालाजी के पास, वो भी देख लिया था। अच्छा वो भी देख लिया था, हाँ बालाजी जा रहे थे, तुम नहीं चले थे साथ में, तुम होते तो तुमको भी ले चलते। ये सो गाइज अब फिर से अपने कैमरे में आ गए हैं रोहित। तो रोहित आपको ये बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं सामान लेने, तेल वगैरह। कौन सा सामान, जरा इस पे रोशनी डालिए। घर का सामान सर, यहाँ थोक, क्योंकि यहाँ पे थोक बाजार है तो यहाँ सब जो है सस्ता मिल जाता है। हाँ अरे बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो बोलो बोलो, आओ अंडे वाले शर्मा गए क्या? तो ये टूटा हेलमेट लगा के आप कहाँ जा रहे हैं रोहित? आप सामने देखिए, हम आपसे बातें कर रहे हैं। कौन सा सामान लेने? यही जो अभी आपको बताया, तो होम ग्रोसरी। ओके होम ग्रोसरी। सो गाइस ये ना इस एरिया में
ये जो बिरहाना रोड का एरिया है यहाँ पे लगभग काफी चीजों की थोक मार्केट है, तो हम लोगों का जो है सारा थोक का मतलब जो सामान एक साथ ही लेते हैं ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो थोक मार्केट से लेते हैं तो सस्ता पड़ता है। ये मेरा मास्क पता नहीं अपनी जात क्यों दिखा रहा है आज। और बिरहाना रोड जैसे आप जानते हैं कि बिरहाना रोड में जो है मेडिसिन की होलसेल मार्केट के साथ साथ इट्स अ ज्वेलर्स हब, तो यहाँ पे बिरहाना रोड में ज्वेलरी का भी बहुत बड़ा हब है, पूरे चारों तरफ ज्वेलर्स ही ज्वेलर्स हैं। और ये घुसेड़ देगा, हमें लग रहा है घुसेड़ देगा। हाँ तो वो घुसी आया था बीच में। अभी हम लोग आपको गणेश मंदिर दिखाएंगे, घंटा घर पे भी है गणेश दिखाएंगे, तो ये आपको हम लोग अब दौलतगंज का दिखाएंगे गणेश मंदिर, बाहर से दिखाएंगे क्योंकि इस समय पट बंद हो गया बाबा के, बाहर से ही दिखाएंगे आपको। मेरे ब्लॉग सारे जो है ना स्पिरिचुअल ब्लॉग बनते जा रहे हैं, मेरे ब्लॉग में मंदिर पूजा यही सब चल रहा है आजकल, बट कांट हेल्प इट, हो ही रहा है चल रहा है और अच्छी बात है। हाँ तो गाइस ये है घंटा घर का गणेश मंदिर और ये काफी सिद्ध मंदिर है, तो ये देखिए बाबा की कितनी भव्य बड़ी सी मूर्ति है, अभी पट बंद है वरना अंदर के भी आपको दर्शन करवाते। तो बोलो गाइस गणपति महाराज की जय। हाँ तो सुबह ब्लॉगिंग करते करते ही मुझे याद आया कि आपने मुझसे 200 रुपये उधार लिए थे, मोबाइल रिचार्ज कराया था अपने किसी लोफड़ दोस्त का, तो अब आप मुझे बताइए कि वो मेरे 200 रुपये आप मुझे कब दे रहे हैं? देंगे जैसे ही वो मेरा दोस्त मुझे मिलेगा, अभी तक वही नहीं मिला। अरे बेटा तुम खा गए ना लेके उसके पैसे, हमको दे नहीं रहे वो जाए। तो ये हम लोग कहाँ है, तो ये हम लोग गुड़ मंडी आ गए हैं गाइस, यहाँ पे थोक गुड़ मिलता है, ये मतलब थोक मार्केट सी है यहाँ बेसिकली हर चीज की, तो यहाँ पे गुड़ मंडी है दिखाते हैं। ये देखो ये गुड़, ये देखो ये देखो गाइस गुड़, और नहीं दिख रहा गुड़, ये देखो गुड़। तो ये है नागेश्वर बाबा का मंदिर, भोले बाबा का मंदिर, पटबन में, बट हमने कहा लाओ आए हैं तो दिखाते हैं आप लोगों को गाइस। तो ये नयागंज में है, सो गाइस अब यहाँ अपन आए हैं रोहित के साथ घर का कुछ सामान लेने। कहाँ गया रोहित? ये है रोहित। तो क्योंकि ये थोक मार्केट है तो यहाँ पे हम लोग को जब बल्क क्वांटिटी में लेना होता है तो सामान सस्ता मिलता है, तो वही घर का सर्फ साबुन वगैरह ये सब लेने क्योंकि नानी के यहाँ आए थे ही, भाभी के साथ तो लगे, यहाँ दिए काम भी निपटा लिया। हे गाइस वेलकम, तो अब हम मिल रहे हैं आपसे सीधे शाम को और ये हो रही है मेरी शाम की चाय और साथ ही साथ मेरा जो चल रहा है, लेट मी शो यू गाइस कि ये देखिए, साथ ही साथ मेरा जो चल रहा है ये आयुषी का ब्लॉग चल रहा है साथ ही साथ, तो आई लव वॉचिंग हर ब्लॉग उसके। तो अभी आफ्टर हैविंग माई चाय एंड ऑल आई एम प्लानिंग टू गो बुआ के घर, बुआ आई नहीं है 2 दिन से एक्चुअली, उनके घर में ना कंस्ट्रक्शन लग गया है, कंस्ट्रक्शन का काम लग गया है उनके घर में, तो इसलिए बिजी है, तो आजकल आ नहीं मतलब कल नहीं आ पाई थी, शायद पता नहीं आ जाएंगी कि नहीं आएंगी, बट लेट मी गो एंड सी कि भाई क्या काम वाम हो रहा है। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि मैं जा रहा था बुआ के घर बुआ से मिलने, बट मैं रास्ते में रुक गया हूँ, रीजन भी देखिए मुझे यहाँ कौन मिल गया है, ये देखिए ये लोग मुझे यहीं बुआ के नुक्कड़ पे चाट और बताशे खाती मिल गई हैं, एंड नाउ दे आर आस्किंग मी कि भैया खा लो, जानती हैं कि मुझे खाना नहीं है, मेरे बालाजी के नियम चल रहे हैं, तो दे आर आस्किंग मी कि भैया खा लो, और इन्हीं से मुझे पता चला है कि बुआ मेरे, हाँ वो मेरे घर गई हैं, तो अब हम बुआ के घर नहीं जा रहे हैं, हम वापस अपने घर जा रहे हैं और ये लोग खा पी के जाएंगे अपने घर। नो चलो तुम लोग बाय बाय बोल दो, हम जा रहे घर। बुआ सबसे हेलो पहले बोल दो, हेलो, और फिर ये बताओ कि गई कहाँ थी, क्योंकि हम तुम्हारे घर गए तो तुमको वहाँ रास्ते में ही मिल गई दोनों लोग, डॉक्टर के यहाँ गए थे फूफा के पेट में दर्द था उनकी दवा लेने। अच्छा लो खड़ी हुई है सामने मेरे गेट पे ही खड़ी होती हैं, तो दोनों को तो यार दो खड़ी हैं, एक ये खड़ी है एक ये खड़ी है और साथ में कुत्ता भी है, तो दोनों को एक एक खिलाते हैं, एक को केला खिलाएंगे और दूसरी को हट हट ले ले ले, तुम्हें नहीं मिलेगा तुम्हारे लिए है ही नहीं, उन्हें मिलेगा ले 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 ले, जय हो मैया की। सो गाइस फाइनली ये भी दिन बीत गया एंड तो नाउ इट्स टाइम टू सम अप द ब्लॉग, बज गया है रात का 10:30, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, 10:30 ही बजा है, और खाना खा लिया है, दाल बनी थी, आलू की सब्जी थी, रोटी थी, अचार था, चावल बनना नहीं है, तो खा पी लिया है और गैया माता को भी अगर राशन खिला दिया है, तो नाउ आई एम ऑन अ वॉक एंड टू सम अप द व्लॉग। सो अगेन आई वुड से कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मेरे कंटेंट को आगे बढ़ाएं, तो अगर आपको मेरा आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हाँ पहले वीडियो देखें फिर सब्सक्राइब करें,
और फिर प्रमोट भी करें, बस यही चाहिए आपसे। तो आप मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हाँ तो बेटा, गुड़ के चक्कर में बात रह गई थी अधूरी, 200 रुपए कब दिला रहे हो अपने दोस्त से? दिलाते हैं। अरे बेटा दिला दो, जब हमने अपना रिटर्न भरा तो भैया मेरे सीए ने हमसे पूछ लिया कि ये 200 रुपए का खर्चा कैसा है, तो हमको उसे बताना पड़ा कि कोई मेरा जो भाई है उसको कोई एक चिड़ी मार दोस्त है, तो उसका हमने करा था रिचार्ज, तो मुझे जो है सारा लेखा जोखा देना पड़ता है, तो भैया 200 रुपए दिला देना मेरे अपने दोस्त से, समझे।